हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एड इन्फो टीवी। मैं हूं मिस्टर जीरो और आज मैं बात करने वाला हूं टिकटॉक के बारे में फिर से। जी हाँ, पार्ट टू। पता नहीं यार आप लोगों को चाहिए था या नहीं चाहिए था, मैं बड़ा बेशर्म हूं, मुंह उठा के चलाया जस्ट लाइक अ टिकटॉकर। हाँ तो चलो यार फिर से करते हैं ओवर एक्टिंग की भरमार और देखते हैं इनका वीडियो। आज मेरे पास में है विवाह। अबे किसी का करवा नहीं रहा हूँ यार। विवाह फिल्म के डायलॉग की माँ बहन कैसे किया है इन लोगों ने। पूनम, मैं आज तक नहीं समझ पाया तुम मेरी छोटी से छोटी बात को कैसे जान लेती। तुमने मेरी सर्दी को कैसे पहचाना? जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हो। कैसे? एक बार फिर करना। क्लैप तो बनता है, प्लीज एक अप्लॉज हो जाए। एप्लीकेशन नहीं है, अप्लॉज हो जाए। पूनम, मैं आज तक नहीं समझ पाया तुम मेरी छोटी से छोटी बात को कैसे जान लेती। तुमने मेरी सर्दी को कैसे पहचाना? जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हो। कैसे? एक बार फिर करना। सीरियसली यार, दोनों बंदे हैं, गलत फहमी मत पालना, दोनों के दोनों बंदे हैं। बंदी इसमें से कोई नहीं है। एक चड्डा पहन करके आया, मम्मी की लिपस्टिक के साथ में आ करके दे रहा है परफॉर्मेंस। पूनम, मैं आज तक नहीं समझ पाया तुम मेरी छोटी से छोटी बात को कैसे जाने। दूसरी तरफ है अपनी बहन का दुपट्टा लपेटते हुए, चोटी बनाते हुए। जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हो। चोटी पे खर्चा करते हैं सीरियसली? इतने लंबे तो बाल हो नहीं सकते। चोटी तो यार लेकर के आए हैं लगता है। लेकिन यार सच बता रहा हूँ, ये जो वाहियात हरकत किया है ना इन लोगों ने विवाह के डायलॉग के साथ, हाँ सोचो अभी क्या सोच रहे होंगे ये लोग। वही लोग जिन्होंने इसमें काम किया है, शाहिद कपूर और अमृता। नहीं सीरियसली, मतलब ये हरकत। और भाई एक बार फिर से देख लो, जब सर्दी होती तो कैसे पहचानते हैं, देखो तो सही। जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हो। पता है इसकी इस हरकत पे लड़का कितना खुश हुआ? कैसे? अबे तुम क्या कैसे कर रहे हो? हाँ देखने वाले डर के मारे पता नहीं जल्दी से स्क्रॉल किया होगा, पर मेरे दिल में बहुत बहुत हिम्मत है। मैंने देखा देखा और पूरा देखा। पूनम, मैं आज तक नहीं समझ पाया तुम मेरी छोटी से छोटी बात को कैसे जान लेती। तुमने मेरी सर्दी को कैसे पहचाना? भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, इस वीडियो के देखने के बाद में प्लीज 911 पे कॉल करो यार। ये या अमेरिका नहीं है, इंडिया का कुछ तो नंबर होगा। बच्चों को बचाओ अभियान चलाने वाले, उनको कॉल करो और बताओ कि बच्चों के साथ में गलत बच्चों को गलत विद्या दी जा रही है। विद्या बालन नहीं यार, ज्ञान दिया जा रहा है। हाँ ज्ञानेश्वर भी नहीं, ज्ञान दिया जा रहा है। तो यार प्लीज एक बात बता देता हूँ, इस बच्चे के लाइफ में जब पहली बार कोई बंदी आएगी ना और उसको जब ऐसे ही पीछे से पकड़ेगा जैसे अभी पकड़ा है, पकड़ते ही बोलेगा हट इधर से, फील नहीं आ रहा है। क्यों मालूम है? बचपन से तो किसी और को पकड़ के फील लिया है यार। हाँ जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हो। कैसे? एक बार फिर करना। दूसरे बंदे की बात करता हूँ भाई, ये दूसरा वाला जो बंदा है जो लड़की बन के बैठा है, इसको देख के ऐसे नहीं लग रहा है इसके एक्सप्रेशन से कि भाई हो ही गया, मजा आ ही गया लगता है, ऑर्गाज्म, सच्ची में ये बोला मैंने? नहीं मतलब ये कौन सी हरकत है। और देखो अब ये भी बताने वाले हैं सर्दी का पता कैसे चलता है। जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हो। कैसे? एक बार फिर करना। ये वाला एक्सप्रेशन ना भाई अमृता ने भी नहीं दिया था अपनी मूवी में। अमृता जी कुछ सीखो, टिकटॉक वाले आपसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड है। आप अगर टैलेंटेड होते तो क्या बात होती थी। विवाह देख करके लोगों को और भी मजा आ जाता, आपने क्या एक्टिंग की है। यहाँ पे आके देखो एक्टिंग कैसे होता है। हाँ अरे यार तुम लोग 15 सेकंड के वीडियो में 15 लाख एक्सप्रेशन दे जाते हो यार। बॉलीवुड के स्टार्स लोग शर्मा जाएंगे कि हमसे इतना एक्सप्रेशन नहीं हो पाता जितना ये लोग करते हैं। पूनम, मैं आज तक नहीं समझ पाया तुम मेरी छोटी से छोटी बात को कैसे जान लेती। तुमने मेरी सर्दी को कैसे पहचाना? जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हो। कैसे? एक बार फिर करना। पता है मेरे वीडियो को देख करके मेरे रिलेटिव 100 गालियां लिख के भेजते हैं व्हाट्सएप पे। अब मैं सोचता हूँ इन लोगों का ये 15 सेकंड का वीडियो देख करके कितनी लाख गालियां आती होंगी यार। ये बंदा होकर के बंदियों वाली हरकत क्यों चल रहा है टिकटॉक में? मतलब गुड़ और मीठा का इतना ज्यादा अकाल पड़ गया है क्या कि इंडिया के जितने भी लड़के लोग हैं वो सबके सब मीठा होने में पड़े हैं? मीठा क्यों, आखिर क्यों, कहाँ से आते हैं ये लोग? ये डायलॉग मेरे से नहीं हो पाएगा, प्लीज रियल वाला लगाओ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पूनम, मैं आज तक नहीं समझ पाया तुम मेरी छोटी से छोटी बात को कैसे जान लेती। तुमने मेरी सर्दी को कैसे पहचाना? जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हो। कैसे? एक बार फिर करना। हाय
देखा जब सर्दी होती तो कैसे पता चलता और वो करके कैसे बताई। याक, और शर्म, इतना तो विवाह में हीरोइन ने भी नहीं शर्माया था जितना ये भाई साहब शर्मा लिए। नेक्स्ट वीडियो। पूनम, मैं आज तक नहीं समझ पाया तुम मेरी छोटी से छोटी बात को कैसे जान लेती हो। तुमने मेरी सर्दी को कैसे पहचाना? वो ताऊ तुमको छोड़ के गई क्या? नहीं नहीं लगता चाची छोड़ के निकल ली। तभी देखो लौंडा सर पे हाथ फेर रहा है, ये कौन सी नौबत आ गई ताऊ? हाँ इतनी लंबी जिंदगी के बीच में ये कौन सा मोड़ आ गया? हाय मर गया यार, देखते चाचा के साथ क्या होता है। जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हो। कैसे? एक बार फिर करना। FIR दर्ज कराओ। जी हाँ, जितने भी डोमेस्टिक अब्यूजिव आगे का वर्ड नहीं आता वो हरकत का कंप्लेन लिखवाते हैं ना, यहाँ पे भी लिखवाना चाहिए इन दोनों दादा एंड पोते के बीच में। आई डोंट नो, इन दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। दया, हाइट दया आ जाता मेरे मुंह में, वैसे भी आने की जरूरत है। तोड़ डालो इसको, दया तोड़ डालो। कैसे? एक बार फिर करना। आखिरी वाला एक्सप्रेशन देखा, पता नहीं कैसा तो था, अगर आता तो भाई बात ही अलग थी। पूनम, मैं आज तक नहीं समझ पाया तुम मेरी छोटी से छोटी बात को कैसे जान लेती हो। तुमने मेरी सर्दी को कैसे पहचाना? इस वीडियो को एक्सप्लेन करने से पहले बता देना चाहता हूँ, जब मैं शूट कर रहा होता हूँ ऐसे वीडियो को तो यार पता है ताला लगा के कर रहा होता हूँ। ये लोग खुलेआम जब करते हैं इनको उड़ता हुआ जूता चप्पल आके नहीं लग रहा होता है? नहीं मतलब लौंडियों जैसा पता नहीं कपड़े भी कहाँ से ले आते हैं, बाल भी ले आते हैं और साथ में फिर वही बच्चा। प्लीज 911 पे कॉल करो यार, हम अमरीके में नहीं है। यार देखो ये बच्चों को फिर से घसीट करके लाए हैं इसमें, और मैं कह रहा हूँ इसके साथ भी वही हरकत होगा। जब सच्ची में कोई लौंडिया ना अपना घाघरा पता नहीं क्या फैला के बैठती है, वो फैला के जब बैठी गया ऐसे जब पीछे से जा करके ऐसे करके बात करेगा ना बंदा, बोलेगा फील नहीं आ रहा है। नहीं वो वाली फील, वो वाली खुशबू नहीं आ रही है। चलो देखता हूँ ये कैसे बताती है कि सर्दी का पता लगता कैसे है। जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हो। कैसे? एक बार फिर करना। पहली बात तो इसने जिस तरह से किया उसके बाद दोबारा हिम्मत होती है एक बार फिर से करना? मतलब देखो डायलॉग है उसमें चोंच हिलाना है तो करना तो पड़ेगा भाई, 15 सेकंड हमें मिला है अपनी जिंदगी के, इस 15 सेकंड को 15 जन्म जो बनाना है। हाँ और हम जैसे लोगों का काटना जो है, यकीन मानो यार मैंने टिकटॉक पे कभी कोई वीडियो नहीं बनाया, कभी नहीं। हेलो साहब, कोई नहीं ने किसी को मार दिया? ओए तो पागल है क्या? जी हाँ मैं पागल हूँ। तेरे पास दिमाग नहीं है? जी दिमाग तो बेडरूम में है। अबे बेवकूफ फोन रख। जी मैं तो पागल हूँ, बेवकूफ तो वीडियो देख रहा है। अरे तुझे लगाने को किसने बोला यार वीडियो को यहाँ पे? साला बार बार मैं पकड़ा जाता हूँ। देखो भाई ये मेरे पिछले जन्म के कर्म थे, इस जन्म के नहीं है। गौर से देखो शक्ल थोड़ा चेंज है यार, मेरा हेयर स्टाइल भी चेंज है। इस जन्म का है ये और उस जन्म का वो है, मैं नहीं हूँ टिकटॉक ना 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 ना। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन पे जाकर के लिखो, और अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी बने तो प्लीज़ यार प्लीज़ 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 लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो अगर आपको मजा आया है। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ फिल्म रिव्यू देखना मत भूलना, इसके अलावा फनी वीडियोज़ भी आएंगे काफ़ी सारे सीरीज लेकर के एक ही चैनल में आ रहा हूँ। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद मी एंड आई विल बी विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सायनरा एंड हास्ता ला विस्ता।